तो मेरे हिसाब से क्या कि ब्राह्मण इस पृथ्वी पर जो है सबसे अज्ञानी प्राणी है, पशुओं से प्यार करते हैं, इंसानों से नफरत करते हैं, ये जो बकवास मार रहे बैठ करके वहाँ पर, तो इनके बाप का देश तो नहीं है, देश तो सब देशवासियों का है, ये क्या करते क्या भगवान के नाम पर लूटते हैं लोगों को। ये वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह, सत श्री अकाल, नमो बधाए, जमनवा साथियो, अस्सलाम वालेकुम साथियो, वाइसो मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से, साथियों आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, और जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी आवाज़ सो मानवता उठाता है। आप सभी ने देखा होगा, सुना होगा, वीडियोज़ चल रही है वे फेसबुक पर क्या, यूट्यूब पर क्या, जो ब्राह्मणों ने जो है इसमें हरिद्वार के अंदर 3 दिन का जो सम्मेलन किया था, उन्होंने विचार चर्चा की है, तो उसमें आप सभी ने देखा होगा इनकी जो बातें हैं, इनकी जो मतलब जो बोले हैं इसमें, तो आप सभी ने वीडियो में देखा होगा और भी सुना होगा और आज तक सुन भी रहे होंगे। तो मेरे हिसाब से क्या कि ब्राह्मण इस पृथ्वी पर जो है सबसे अज्ञानी प्राणी है, जिसको कोई इस बात का ध्यान, मतलब अज्ञानी प्राणी मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि ये जो लोग हैं ये पशुओं से प्यार करते हैं, इंसानों से नफरत करते हैं, इनको यही नहीं पता है कि दुनिया के अंदर चल क्या आ रहा है। दुनिया के अंदर सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा बोलबाला हो, हमें लोग पूजे, हमें हमारे लोग पूजा पाठ करें, हमें मानता दें, हमें ये करें, हमें वो करें। तो इनका ऐसा मानना है, देखो मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा इनके साथ में, क्योंकि ये अज्ञानी लोग हैं, इनको कोई धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। हमने कई बार पहले भी बोला है अपनी वीडियो में कि इनको ब्राह्मणों को धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि इन्हें जात पात में बांटता है, इंसान को नफरत में बांटता है। जिसको जो इंसान नफरत में बांटता है तो वो कभी ज्ञानवान नहीं हो सकता है। तो अभी जो यहाँ पर मतलब जो मीटिंग हुई इनकी है, मतलब बड़े बड़े शंकराचार्य आचार्य प्रचार्य जो भी हैं, ये बहुत बड़ा बड़ा अपने आप को मानते हैं कि मतलब ये बहुत बड़े संत मानते हैं अपने आप को, बहुत बड़े बड़े धार्मिक लोग मानते हैं। तो इन लोगों ने मीटिंग की है हरिद्वार में, तो वहाँ से जो निकल कर आया है, जो रिजल्ट निकल कर आया है इसका, ऐसे बैठे हैं वहाँ पर, बहुत सारे कह रहे हैं कि भाई जो 25 तारीख में जो क्रिसमस आ रही है, ये क्रिसमस को हम मनाने नहीं देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। और ईद के बारे में बोल रहे हैं कि ईद जो है, ईद का मतलब जो है जो ईद नहीं मनाने देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। तो एक और बयान भी आया है इसमें बहुत सारे के, मतलब वो कह रहे हैं कि जिनके शीशे की दीवारें हैं वो मतलब जो शीशे के जो कंच की जो दीवारें हैं वो मतलब कंच की जो दुकानें हैं वो अपना उसका सावधानी मतलब एक वार्निंग दे रहे हैं कि ऐसे टूट सकती हैं। इनकी मतलब है जितने दंगे होते हैं भारत में, जितने ये नुकसान करते हैं, इनकी ये खुद ही करते हैं, इस करके ये कह रहे हैं कि ये ऐसा करने वाले हैं। भाई इनके बाप का देश तो नहीं है भारत, इनके जो ब्राह्मणों के जो ब्राह्मण जो है वहाँ पर, ये जो बकवास मार रहे बैठ करके वहाँ पर, तो इनके बाप का देश तो नहीं है, देश तो सब देशवासियों का है। तो ये जो मुसलमानों के खिलाफ क्या, क्रिश्चियनों के खिलाफ क्या दिन रात बोलने की कोशिश करते हैं, तो ये जो अज्ञानी प्राणी होते हैं, जिनको कोई ज्ञान नहीं है देश का, मतलब इनको पशु के गुण ज़्यादा हैं। पशु के गुण कैसे हम कैसे कह रहे ज़्यादा हैं, हम कोई अपने भड़ास नहीं निकाले इनके ऊपर, इनके गुण इनके बता रहे हैं कि इनके पशु गुण कैसे हैं। ये गाय को माता कहते हैं, मतलब कौओं को, चीलों को, इनकी पूजा पाठ करते हैं, गाय सबकी पूजा पाठ करते हैं। ये एक सिर्फ इंसान से नफरत करते हैं, अछूत से नफरत करते हैं, इनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि अछूत के छूने से ये मतलब भ्रष्ट हो जाते हैं। तो कोई ब्राह्मण में, कोई देवी देवते में, कुछ में इतनी ताकत नहीं है कि ब्राह्मण को शुद्ध कर दे। वो पानी शुद्ध करता है जो गंदा, जितना मतलब उसको गंगा माता बोलते हैं, तो हम उसमें उसके बारे में नहीं जाएंगे कुछ भी। लेकिन इनकी मानसिकता जो है एक बीमार मानसिकता है, और ये लोग जो है इन्हीं की वजह से ये भारत जो है, आपने सभी ने देखा होगा पाए अफगानिस्तान तक भारत था, ये पाकिस्तान भी इसमें रहा पहले है। तो ये जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सबका सब भारत का हिस्सा ही था पहले, इन्हीं की नफरत की वजह से ये देश टूटा है, और इनकी वजह से ही ये देश मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में टूटने वाला है। क्योंकि ये जो है ये तोड़ना चाहते हैं इस देश को, और जो भारत को जो तोड़ना चाहते हैं ये मतलब ऐसा, हम ये तो तोड़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोग बचे हैं जो मतलब इनसे मतलब धर्म के ठेकेदार कह रहे हैं इनको जो जिनको कोई धर्म का ज्ञान है ही नहीं है, वो सारे कह रहे हैं ये धार्मिक लोग हैं। ऐसे धार्मिक लोगों को तो मूर्ख किसे कहेंगे हम,
तो जिन लोगों को कोई भी धर्म का ज्ञान नहीं है, 1% भी अगर इनको ऐसा लग रहा है कि इनको धर्म का ज्ञान है, तो हम दावे के साथ में कह रहे हैं इनके साथ में कि इनके साथ में धर्म के मसले पर विचार चर्चा करना चाहते हैं। अगर इन्होंने अपनी माँ का दूध पिया या किसी का भी पिया दूध इन्होंने, तो धर्म के मसले पर विचार चर्चा कर लेंगे। अगर हारना और हराना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद ज्ञान सीखना और सिखाना है। अगर ये चाहते हैं कि हमें हराना चाहते हैं या खुद हारना चाहते हैं, तो भी हम मंजूर है आ जाएं। तो लेकिन याद रखें इस बात को कि इनको कोई भी ज्ञान नहीं है, इनकी कोई बात ना माने, ये जो बकवास मारते हैं बैठ करके वहाँ पर, मैं ये तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इनके बाप का देश देश नहीं है, देश देशवासियों का है, भारतवासियों का है। जिसने भारत में जन्म लिया उसका देश है। ये जो नफरत फैलाते हैं, नफरत तो अगर नफरत फैलाने से इनकी नफरत के कारण ही भारत टूटा है, कई बार टूटा है, और मुझे लग रहा है कि भारत आने वाले वक्त में इनके कारण, इनके नफरत के कारण टूटेगा। ये खुद ही तोड़ेंगे इसको, क्योंकि ये चाह रहे ऐसे चाह रहे हैं, सबको गुलाम बनाना चाहते हैं। अरे कहाँ रह रहे हो भाई, किस कहाँ रहते हो? ये दुनिया है, यहाँ कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता। गुलाम बनाने वाले गुलाम तुम तो खुद गुलाम हो। ये जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण पूरे भारत के जो है, भारत के क्या है, मानसिक गुलामी के शिकार हैं, अपने घमंड के गुलाम के शिकार हैं। ये बिल्कुल मतलब गुलाम आदमी दूसरे को वो बनाता है जो खुद गुलाम होता है, दूसरों को गुलाम वह बनाता है जो खुद गुलाम होता है। वरना आज़ाद आदमी को दूसरे को गुलाम बनाने की क्या ज़रूरत है? तो ये लोग मानसिक गुलाम है, और मानसिक गुलामी वाले जो है, जो लोग इतने दुखी इंसान है ब्राह्मण, मतलब 3-4 पॉइंट इनके पास में है। एक सबसे दुखी है इंसान ये ब्राह्मण, दूसरे इनके अंदर कोई ज्ञान नहीं इनको धर्म का, तीसरा इनके अंदर कोई प्यार व्यार नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे गर्क इंसान है। बोले इन्होंने लोगों ने नफरत, अगर ये मतलब ऐसा ज्ञान, ऐसा इनको ज्ञान हो सकता है, अगर ये सच बोले, ईमानदारी से आगे चले, तब इनको ज्ञान हो सकता है। जिस दिन सच और ईमानदारी इनके अंदर आएगी ना, उस दिन ये किसी तरह ना तो भीख मांग कर खाएंगे खाएंगे, क्योंकि इनके जो है ना, इनका चल रहा सारा कोई, ये क्या करते क्या, भगवान के नाम पर लूटते हैं लोगों को, ये छोड़ देंगे जिस दिन मैं सच और ईमानदारी इनके अंदर आएगी। तो सच और ईमानदारी को अपनाएं, सच और ईमानदारी सबसे पहले बंदर से बंदे के अंदर से नफरत को खाएगी, इंसानियत पैदा करेगी। तो इंसानियत को, फिर इंसान को सब इंसान नज़र आते हैं, फिर उसको पशु नज़र नहीं आएंगे, फिर पशुओं पर नरक, इसमें इंसानों में फ़र्क करना छोड़ देंगे। तो ये जो है नफरत की जो आग लगा रहे हैं, तो जो मतलब कहते हैं ना कि जो दूसरों का नुकसान करते हैं, कई बार उनका नुकसान हो जाता है। तो ये तो जो करना करेंगे, देखे जो कुछ इन्होंने करना हो तो करेंगे, लेकिन याद रखें कि इनकी नफरत ही इनको ही भस्म करेगी। याद रखें, ये बहुत बड़े बड़े संत मानते हैं ना अपने आप को, तो नफरत याद रखना, नफरत करने वाला जो है कभी पनपता नहीं है। नफरत की वजह से ये खुद ही मतलब इसमें सड़ गए। लेकिन याद रखें, भारत भारत भारतवासियों का है, मुस्लिमों का है, सिखों का है, और जो है ईसाइयों का है, सबका है, सिर्फ ब्राह्मणों का ही नहीं है। भारत इस करके नफरत करते हैं लोगों से ज़्यादा। तो थैंक यू सबका, और ये अपना जो है जैसा बोएंगे वैसा काटना पड़ेगा इन लोगों को। याद रखें इस बात को। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु, अस्सलाम वालेकुम, जय जवाहर।